अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स का ओनली यूज करके 16:1 मल्टीप्लेक्सर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये सारे मल्टीप्लेक्सर्स हम अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना क्या है कि हमें एक 16:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है, लेकिन उसके लिए हमें यूज क्या करना है, ओनली 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स का क्या करना है हमें उसमें यूज करना। तो पहले हम क्या देखते हैं कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो देखो 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर होता है 4:1 मल्टीप्लेक्सर जो क्या करेगा, 4 इनपुट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट में सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा। मतलब अगर हमने इसमें कितने इनपुट्स दिए हैं, 4 इनपुट्स दिए हैं, तो सिलेक्शन लाइंस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से इनपुट को सिलेक्ट करके आगे भेजना है। ठीक है, 4 इनपुट्स और एक आउटपुट। अब ये रूल हमें पता ही है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि अगर हमारे इनपुट्स कितने हैं, 4 इनपुट्स हैं, तो इसका मतलब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2^2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अगर हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर है तो उस केस में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2^3। तो इसका मतलब हमारी जो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो ये रूल तो हमें अच्छी तरह से पता ही है। तो कुल मिला के 4:1 मल्टीप्लेक्सर में हमारी सिलेक्शन लाइंस क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। क्यों 2 हो जाएंगी, क्योंकि 2 से हम टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बना सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखना, यही चीज आगे काम आने वाली है कि अगर हमारी सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू 0 है तो आई 0 को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर हमारी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0, 1 है, मतलब दो जो हमारी सिलेक्शन लाइंस हैं उनकी वैल्यू 0, 1 है, तो आई 1 को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर इनकी वैल्यू 1, 0 है तो आई 2 को सिलेक्ट किया जाएगा। इनकी वैल्यू 1, 1 है तो आई 3 को सिलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से ये दो सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करेंगी कि इन चार में से कौन से इनपुट को सिलेक्ट करके आगे ट्रांसमिट, आगे सेंड किया जाएगा। तो ये तो किसका हुआ कंसेप्ट, 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। अब हमें डिजाइन क्या करना है, 16:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है। 16:1 इसका मतलब क्या है, हमारा जो एम है पहले हम वो समझ लेते हैं। हमारा एम क्या है, 16:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना। 16:1 इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, इसमें हम टोटल 0 से लेकर 15 तक टोटल कितने इनपुट्स देंगे, हम टोटल इनपुट्स देंगे 16। ओके, अब सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2^4 लिख सकते हैं। तो हमारी सिलेक्शन लाइंस कितनी हो जाएंगी, 4 सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी। सपोज इनका नाम हम कुछ भी दे दें, सपोज हमने इनका नाम दे दिया ABCD, तो ये सिलेक्शन लाइंस ही डिसाइड करेंगे कि हम इनमें से कौन से एक इनपुट को सिलेक्ट करके आगे आउटपुट में सेंड करें। तो हमें ऐसा ही कुछ मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है, लेकिन किसकी हेल्प से, 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स की हेल्प से। तो अगर हम ऐसा कुछ मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना चाहते हैं और हम ABCD को क्या ले रहे हैं, एज अ सिलेक्शन लाइन ले रहे हैं, तो हमारी जो उसकी ट्रुथ टेबल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। कैसे बनेगी, ये है ABCD, सपोज ये क्या है, हमारी सिलेक्शन लाइंस हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, 0, 0, 0, 0, इनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 0 से लेकर 15 तक टोटल कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। ओके, अब इसमें से अगर इन चारों की वैल्यू 0 है तो आई 0 सिलेक्ट होगा, इनकी वैल्यू 0, 0, 0, 1 है तो आई 1 सिलेक्ट होगा। तो कुल मिला के इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनपुट सिलेक्ट होगा और आगे आउटपुट में जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ मल्टीप्लेक्सर क्या करना है, डिजाइन करना है यूजिंग ओनली 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हमें चाहिए 16:1 मल्टीप्लेक्सर, यूज क्या करना है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो देखो 16 हमें चाहिए इनपुट्स, 16 क्या चाहिए हमें, इनपुट चाहिए, और एक क्या चाहिए हमें, आउटपुट चाहिए। ओके, अब 16 इनपुट चाहिए, लेकिन हमें यूज तो ओनली 4:1 मल्टीप्लेक्सर करना है, तो हमें टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे। देखो एक मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट्स हैं, तो हमें 16 चाहिए, तो हमें ऑब्वियसली 4 मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें 4 मल्टीप्लेक्सर्स क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लेक्सर्स ले लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सपोज हमारा ये हो जाएगा, ये यहां से मैं हटा देती हूँ, सपोज ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर। ओके, इसी तरह से इसके नीचे हम बना लेते हैं सेकंड मल्टीप्लेक्सर, तो ये हो गया हमारा सेकंड मल्टीप्लेक्सर, फिर ये हो गया हमारा थर्ड मल्टीप्लेक्सर, और फिर ये हो गया हमारा फोर्थ मल्टीप्लेक्सर। ये क्या हो गए, हमारे टोटल 4 मल्टीप्लेक्सर्स हो गए। ओके, अब इन सभी में क्या जाएंगे, 4 इनपुट जाएंगे, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 इनपुट्स इन सभी में जाएंगे। ओके, अगर हम इंटरनली
देखे तो हम इनका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, इनके इनपुट्स का। सपोज इनका नाम मैंने दे दिया A0, A1, A2, A3, ये किसके लिए, इस पहले मल्टीप्लेक्सर के लिए। इसी तरह से इसके लिए भी A0, A1, A2, A3, ये सेकेंड मल्टीप्लेक्सर के लिए। इसी तरह से इसके लिए भी यही इनपुट्स हो जाएंगे A0, A1, A2, A3। लेकिन ये बात क्या हुई, इंटरनली बात हुई, ये क्या हुई हमारी इंटरनली बात। तो हमें A1, A0, अब हम चाहे तो यहीं से A1, A0 निकाल के यहाँ भी दे दें, यहाँ भी दे दें, यहाँ भी दे दें और यहाँ भी दे दें, लेकिन इससे डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे अलग अलग से, देखो हमें देनी अलग से नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, हमें देनी कॉमनली है, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना बने, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं S0, S1, यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं S0, S1, देखो नाम तो सेम ही है S0, S1, और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया S0, S1। तो अब देखो इन सिलेक्शन लाइंस की जो भी वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी कि यहाँ से क्या ट्रांसमिट क्या जाने वाला है। सपोज हम क्या करते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन है सब इनका एक एक आउटपुट आएगा, ओके, तो ये क्या आया, इनका एक एक आउटपुट आया। अब सपोज हमने हमारी सिलेक्शन लाइंस जो है उनकी वैल्यू क्या रखी है, तो सपोज हमारी जो सिलेक्शन लाइंस है उनकी वैल्यू हमने रखी है ये S1 है और ये S0 है, ओके, इनकी वैल्यू मैंने क्या रखी है 0 0 रखी है, क्या रखी है 0 0 रखी है, 0 0 अगर इनकी वैल्यू है तो यहां से भी 0 0 गया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से क्या जाएगा, हर जगह से 0 0 ही जाने वाला है, 0 0 जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा इनपुट इन सभी का सिलेक्ट होगा, इसका भी A0, दैट इज यहां से I0 सिलेक्ट होगा, इसका भी A0 सिलेक्ट होगा क्योंकि 0 0 गई है तो ऑब्वियसली ये वाला सिलेक्ट होगा, तो यहां से क्या जाएगा A0 में क्या जा रहा है I4 जा रहा है, तो यहां से क्या जाएगा I4 जाएगा, यहां से क्या जाएगा I8 जाएगा, और यहां से क्या जाएगा I12 जाएगा, क्या जाएगा यहां से I12 जाएगा। अब सपोज इनके जो आउटपुट्स हैं इनका मैं नाम रख लेती हूँ, ये हमारा फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है तो उसका नाम मैंने दे दिया M0, इसका नाम दे दिया मैंने M1, इसका नाम दे दिया मैंने M2 और इसका नाम मैंने क्या दे दिया M3, ये क्या दे दिया मैंने इनके नाम दे दिए हैं, ओके। अब यहां से हमारे ये इनपुट सिलेक्ट हुए, अगर मैंने वैल्यूज क्या दी है 0 0 दी है तो क्या आया यहां से I0, I4, यहां से I8, यहां से I12। लेकिन क्या हमें चार आउटपुट्स चाहिए, नहीं, क्योंकि हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहते हैं, 16:4 नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहते हैं तो हमें एक ही आउटपुट चाहिए। तो इसका मतलब अब इनमें से भी मुझे क्या करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है, मतलब इन फोर मल्टीप्लेक्सर्स में से किसी एक को मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब मुझे वापस क्या चाहिए, एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये तो मेरे ये टेम्पररी थे, ये यहां से हटा देती हूं मैं अभी, ओके। अब इन फोर में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए अगेन आई नीड अ मल्टीप्लेक्सर, तो यहां पर हमारा फिर से क्या आ जाएगा, एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा। तो ये क्या आ गया हमारा, एक और मल्टीप्लेक्सर। अब ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर है, फोर में से एक को सिलेक्ट कर रहा है, तो अगेन हमारा एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर लगा। यहां से M0 है, यहां से M1 है, यहां से M2 है और यहां से क्या है M3 है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब सिलेक्शन लाइंस कितनी, दो, और वहां पर मैंने सिलेक्शन लाइंस का नाम क्या दिया था S1, S0। अब यहां पर मैं इनका नाम क्या दे दी, देखो 0 1, तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस इस पूरे में मेरी कितनी हो रही है, दो तो ये, तो टोटल 4 सिलेक्शन लाइंस हो गई। तो 2^4 वैसे भी क्या होता है 16, तो उसी से हमारा 16:1 मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। तो अब देखो 16 इनपुट्स है, 4 सिलेक्शन लाइंस है और एक क्या है हमारा आउटपुट है। तो इस तरह से हमारा क्या बना 16:1 मल्टीप्लेक्सर। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है, कैसे सिलेक्ट किया जाएगा ये भी तो हमें देखना है। देखो अभी तक क्या हुआ था, अब मैं यहाँ पे फिर से एक ट्रुथ टेबल बनाती हूँ, देखो फिर से एक ट्रुथ टेबल बनाती हूँ, ऐसी की ऐसी ही बनेगी, लेकिन हम बनाना सीखते ताकि हमें डटना ना पड़े, ओके। देख आप देख के समझ जाएंगे कि ऐसी की ऐसी ही हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी, लेकिन अब हम इसके बेसिस पर इसको बनाएंगे, ओके। तो अब हम इसको यहां से कर देते हैं रफ। अब देखो हमारी जो सिलेक्शन लाइंस हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है हमारा S3, S2, S1, S0 और यहां से जो आउटपुट में सिलेक्ट होके आएगा वो हम देख रहे हैं, ओके। तो यहां पे मैंने आप थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देती हूं, तो S3, S2, S1, S, तो मैंने वैल्यूज क्या दी थी 0 0 दी थी, तो 0 0 यहां पे भी गया, यहां पे भी गया, यहां पे भी गया, यहां पे भी गया, ओके। तो
मतलब यहां से क्या सिलेक्ट होके आया था, यहां से सिलेक्ट होके आया था हमारा I0, यहां से हमारा सिलेक्ट होके आया था I4 क्योंकि ऊपर वाला सिलेक्ट होके आया था, यहां से सिलेक्ट होके आया था हमारा I8 और यहां से सिलेक्ट होके आया था हमारा I12। ओके, लेकिन अब इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब ये हमारे ऊपर है, हम किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं, इसको, किसको, किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक, अब देखो 0 0 देने की वजह से अभी हम ST/S2 की बात नहीं कर रहे, यहां से क्या आया था I0 आया था। अगर हम नीचे वाले मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो वहां पे भी हमने 0 0 दिया था, तो यहां से क्या सिलेक्ट होके आया था I4 सिलेक्ट होके आया था। हमने इस वाले मल्टीप्लेक्सर में भी 0 0 दिया था, तो यहां से हमारा क्या सिलेक्ट होके आया था I8 सिलेक्ट होके आया था। हमने यहां पर भी 0 0 दिया था, तो यहां से क्या सिलेक्ट होके आया था, देखो यहां पे भी 0 0 दिया था, तो यहां से क्या सिलेक्ट होके आया था हमारा I12 सिलेक्ट होके आया था। तो अब बात आती है कि हम इनमें से, इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते, तो फिर से हमने यहां पे क्या लगाया मल्टीप्लेक्सर। तो अब S3 S2 की वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि इन चारों में से हमें किसको सिलेक्ट करना है। देखो अगर हमने S3 S2 की वैल्यू दी है 0 0 तो उस केस में I0 सिलेक्ट होगा। कैसे I0 सिलेक्ट होगा, देखो यहां से I0 आया, यहां से I4 आया, यहां से I8 आया, यहां पे I12, ये इनके अंदर आ गया है, यहां पे आ गया है I0, यहां पे I4, यहां पे I8, यहां पे I12। अब मैंने S3 S2 की वैल्यू क्या दी है, अगर 0 0 दी है, 0 0 दी है, इसका मतलब सबसे पहला वाला इनपुट सिलेक्ट होके आगे आएगा, और सबसे पहले वाले इनपुट में कौन है, I0 है, तो I0 यहां पर आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैंने S3 S2 की वैल्यू क्या दी है, 0 1 दी है, क्या दी है, 0 1 दी है, तो 0 1 के केस में क्या होगा, देखो अगर मैंने यही वैल्यू दी है 0 1, अभी हमारे पास यही वाले इनपुट्स हैं, ठीक है, यही यहां पे आए हैं, अब मैंने यहां पे वैल्यू क्या दी है 0 1 दी है, तो कौन सिलेक्ट होगा, ये वाला सिलेक्ट होगा, जैसा कि 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का रूल ही होता है, 0 1 है, तो इसका मतलब ये M1 सिलेक्ट होगा। अब M1 के अंदर कौन जा रहा है, I4, तो उस केस में कौन सिलेक्ट हो जाएगा, हमारा I4 सिलेक्ट होगा। लेकिन यही मैंने देखो 0 0 पे देख लिया हमने, 0 1 पे देख लिया, अब 1 0 की बात करते हैं, यहां पे मैंने 1 0 वैल्यू दी है, तो 1 0 में कौन सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, अब इसमें कौन सी वैल्यू जा रही है, I8 जा रही है, तो 1 0 पर ये सिलेक्ट होगा। यही वैल्यू अगर मैंने 1 1 दी है, क्या दी है मैंने, 1 1 वैल्यू दी है, तो उस केस में कौन सिलेक्ट होगा, M3 सिलेक्ट होगा, जिसके अंदर कौन जा रहा है, I12 जा रहा है, तो 1 1 पे जब हम S3 S2 की वैल्यू 1 1 दे रहे हैं, तो उस केस में कौन जाएगा, I12। अब हम किसकी वैल्यू चेंज करते हैं, S1 S0 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो S1 S0 की वैल्यू चेंज करके अब मैंने क्या दे दी, पहले 0 0 थी, अब मैंने दे दी 0 1, तो 0 1 यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, यहां पे भी गया, 0 1 दी, इसका मतलब कौन सिलेक्ट होगा, ये वाला सिलेक्ट होगा, तो I1 यहां पर जाएगा, तो यहां पे क्या गया, I1 गया, यहां से कौन जाएगा, I5 जाएगा, यहां से कौन जाएगा, I9 जाएगा, और यहां से कौन जाएगा, I13 जाएगा। ओके, तो अब हमने वैल्यूज क्या की है, 0 1 दी है, 0 1 दी है, यहां से भी क्या दी है, 0 1 दी है, यहां से भी क्या दी है, 0 1 दी है, तो यहां से हमारे जो ये इनपुट्स हैं, मतलब यहां इनके आउटपुट्स हैं, वो क्या हो गए, I1 I5 I9 और I12, जो कि इनके अंदर चले गए। अब हमें किसको सिलेक्ट करना है, तो अब S3 S2 की वैल्यू अगर मैं क्या देती हूँ, 0 0 देती हूँ, अगर मैंने वैल्यू क्या दी है, 0 0 दी है, तो कौन सिलेक्ट होगा, M0, जिसके अंदर कौन जा रहा है, I1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, I1 लिख देंगे। अगर मैंने यही वैल्यू क्या दी है, 0 1 दी है, तो कौन सिलेक्ट होगा, M1 सिलेक्ट होगा, M1 में कौन जा रहा है, I5 जा रहा है, तो मतलब 0 1 के साथ अगर मैंने वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर 0 1 दी है, तो उस केस में कौन जा रहा है, I5 सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर देखो 0 1 ही इसकी वैल्यू, अगर मैंने ये वैल्यू 1 0 दी है, तो कौन सिलेक्ट होगा, M2, मतलब कौन यहां से आएगा, I9, तो हमें क्या मिल जाएगा, I9 मिल जाएगा, अगर मैंने वैल्यू क्या दी है, 1 0 दी है। अगर मैंने इसी की वैल्यू क्या दी है, 1 1 दी है, 1 1 दी है, तो M3 सिलेक्ट होगा, और M3 में कौन जा रहा है, I13, तो अगर मैंने वैल्यू दी है 1 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, I13 आ जाएगा। यही वैल्यूज इसी तरह से मैं चेंज करती हूँ, अब S1 S0 की वैल्यू में क्या दे देती हूँ, तो अब S1 S0 की वैल्यू में कर देती हूँ 1 0 कर देती हूँ, ठीक है, तो 1 0 अगर मैं देती हूँ, यहाँ पे मैं 4 बार क्यों लिख रही हूँ, हमेशा मैं 4 बार क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 मल्टीप्लेक्सर, इन चारों में ही क्या वैल्यूज जाएंगी, जो भी मैं सिलेक्शन लाइन्स की वैल्यू दे रही हूँ वो जाएंगी, तो अभी मेरी सिलेक्शन लाइन्स की वैल्यू क्या है, 1 0 है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स मैंने क्या लिख दिया, 1 0 लिख दिया।
वन जीरो देने से यहाँ कौन सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, दैट इज कौन सिलेक्ट होगा, आई टू, तो यहां से चला जाएगा आई टू, यहां से चला जाएगा आई सिक्स, यहां से कौन चला जाएगा आई टेन, और यहां से कौन चला जाएगा आई फोर्टीन, तो यहां पे क्या आ गया आई फोर्टीन आ गया। ओके, अब मैंने फिर से इसकी एस थ्री एस टू की यही चारों वैल्यूज दी, जब मैंने वैल्यू क्या दी है जीरो जीरो दी है, तो उस केस में कौन सिलेक्ट होगा एम जीरो, दैट इज आई टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा आई टू आ जाएगा। अगर मैंने जीरो वन वैल्यू दी है तो जीरो वन वैल्यू देने पर कौन सिलेक्ट होगा, तो जीरो वन वैल्यू सॉरी जीरो वन देने पर कौन सिलेक्ट होगा, ये दैट इज आई सिक्स आ जाएगा। इसी तरह से वैल्यू मैंने क्या दी है वन जीरो दी है, तो वन जीरो पर कौन सिलेक्ट होगा, तो वन जीरो वैल्यू देने पर कौन सिलेक्ट होने वाला है, ये सिलेक्ट होगा, दैट इज आई टेन आ जाएगा। वन वन देने पर, वन वन देने पर कौन सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, दैट इज कौन सी वैल्यू आ जाएगी आई फोर्टीन आ जाएगी। इसी तरह से आप वैल्यूज चेंज करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको वही ट्रुथ टेबल मिल जाएगी जो 16 टू 1 की होती है। बस आपको लास्ट वैल्यू देनी है, क्या देनी है एस वन एस जीरो की, अब वैल्यू आपको क्या देनी है, आपने जीरो जीरो दे दी, जीरो वन दे दी, अब वन वन देनी है जो की वैल्यू इन चारों में जाएगी। तो अब बस लास्ट में आपको क्या करना है एस वन एस जीरो की वैल्यू वन वन देनी है जो की इन चारों में जाएगी, अब वन वन होने पे यहां से आई थ्री आ जाएगा, यहां से आई सेवन आ जाएगा, यहां से आई इलेवन आ जाएगा, यहां से आई फिफ्टीन आ जाएगा। अब अगर हम इसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जीरो जीरो देंगे, फिर हम वैल्यू जीरो वन देंगे, फिर हम वैल्यू वन जीरो देंगे, और फिर हम वैल्यू क्या देंगे वन वन देंगे, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो ये वही ट्रुथ टेबल बनी है, जीरो से लेकर एग्जैक्टली सीक्वेंस में 15 तक वैल्यूज आई हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा कि ट्रुथ टेबल आखिर हमने 4 to 1 में से अपने आप कैसे 16 to 1 की ट्रुथ टेबल बना ली है। ओके।